नमस्कार, चैनल 1 देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। सद की बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला से सामने आ रही है, जहां पर हमने आपको ये भी बताया था कि कल रात की अगर बात करें, जहां पर एक टेरर अटैक जो है वो देखने को मिला, जहां पर राजौरी जिला के डांगरी गांव में ये टेरर अटैक देखने को मिला था, जहां पर 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और 7 से 8 लोग घायल बताए जा रहे थे, और 7 से 8 लोगों में से 2 लोग क्रिटिकल थे, जिन्हें जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में रेफर किया गया। लेकिन आपको ये बताते चले कि सुबह के समय एक आईडी ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला, उसी राजौरी के जिला के डांगरी गांव में ये आईडी ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला, यानी कि जहां पर ये रात को टेरर अटैक देखने को मिला, वहीं पर ये सुबह के समय में आईडी ब्लास्ट देखने को मिला, और वहीं पर यानी कि विक्टिम के घर पर ही ये आईडी ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला, जहां पर आपको बताते चले कि 3 से 4 लोग जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 माइनर है और साथ ही साथ एक महिला इंजर्ड बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि एक की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि मौत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन सूत्र के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। वहीं पर आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से कल रात के समय एक टेरर अटैक देखा गया था, और वहीं पर सुबह में एक आईडी ब्लास्ट वही यानी कि राजौरी जिला के डांगरी गांव में देखने को मिला, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त राजौरी के लोकल्स की बात करें, यानी कि राजौरी के नागरिक की बात करें, तो वहां पर इस वक्त बंद की कॉल दी गई है, जहां पर रोड ब्लॉक कर दिया गया है और नारेबाजी की जा रही है। और सूत्र के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि वहां के लोकल्स की ये मांग है कि एसएसपी की ट्रांसफर की जाए, राजौरी के एसएसपी की ट्रांसफर की जाए। सूत्र के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, और वहीं पर मैं आपको फिर बताती चलूं कि इस वक्त रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, राजौरी बंद की कॉल दी गई है, जहां पर लोग के द्वारा, सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रहा है कि लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है राजौरी के एसएसपी की ट्रांसफर की जाए। और वहीं पर मैं आपको फिर बताती चलूं कि जिस तरीके से कल रात को एक टेरर अटैक देखने को मिला, जहां पर कई लोग जो है, काफी लोग जो है वो जख्मी हो गए, जिनमें से 2 क्रिटिकल थे, जिन्हें जीएमसी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, लेकिन वहीं पर डांगरी गांव में सुबह में ही एक आईडी ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि काफी लोग इंजर्ड है, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंच रही है कि 2 माइनर और 1 महिला इंजर्ड है और 1 की मौत हो चुकी है, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि मौत हुई है या नहीं हुई है। मैं आपको फिर बताती चलूं कि एक आईडी ब्लास्ट उसी जगह पर, उसी गांव में विक्टिम के घर पर देखा गया है। देखते रहिए चैनल 1 शिल्पा शर्मा के साथ, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है आपसे साझा जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा।